दोस्तों, आपने सुना होगा कि नाग सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नाग सांप को मारने पर उसकी आंखों में मरने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया तो उसे आग में जला देना चाहिए तुरंत, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। ऐसा ही असल जिंदगी में इस मासूम लड़की के साथ हुआ। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के देवडाली गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। संगीता नाम की यह लड़की बहुत ही खूबसूरत और सादगी की मूरत थी। इन गुणों के साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी थी। उसका बातचीत का तरीका किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, परंतु अफसोस एक दिन ऐसा आया कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और हमेशा के लिए उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परंतु इस लड़की के मरने के बाद जो सच्चाई बाहर निकल के आई, उसे सुन वहाँ के गांव वालों के मन में भी एक अजीब सा भय बैठ गया। इस घटना को सुन हर कोई कांप जाता है, आज भी इस घटना को सुन हर कोई डरता है। तो दोस्तों, आज हम आपको उस लड़की की दुख भरी दास्तान या कह लीजिए सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की रहने वाली संगीता बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी। उसकी शादी होने वाली थी, परंतु एक दिन एक नागिन ने उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पलों को उससे छीन लिया। दरअसल दोस्तों, बात ये हुई कि उस लड़की के घर के कुछ आगे ही एक पुराना और विशाल पेड़ था। उस लड़की के दो भाई थे और एक बूढ़ी माँ थी। दोनों भाई काम के सिलसिले में गांव से दूर दूसरे गांव में जाते थे। जिस जगह पर वह विशाल पेड़ था, जहां नाग नागिन रहते थे, वो इन्हीं की ज़मीन थी। दोस्तों, एक दिन उस लड़की यानी संगीता की शादी की बात चली। संगीता को देखते ही और उसके गुणों को देखते ही लड़के वालों ने तुरंत हाँ कर दी। लड़के वाले काफ़ी अच्छे परिवार से थे, तो संगीता के परिवार को भी कोई हर्ज नहीं था। परंतु रिश्ता तय होने के बाद से ही संगीता कुछ दुखी दुखी रहने लगी। संगीता के भाइयों ने संगीता के मुंह में छाई उदासी से यह जान लिया कि उसे कोई ना कोई तो दिक्कत है। एक दिन दोनों भाई अपने बहन संगीता के पास आए और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो संगीता बोली, भैया मुझे शादी से कोई भी परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, परंतु मैं दुख इस बात को लेकर हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी। आप दोनों काम के सिलसिले से बाहर चले जाओगे, ऐसे में हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल आखिर कौन रखेगा। भैया आप क्यों ना यहीं दुकान बना लो, हमारे पास वाली ज़मीन वैसे भी तो खाली पड़ी हुई है, पास में दुकान रहेगी तो आप दुकान का भी और माँ का भी ख्याल रख सकते हो। दोनों भाइयों ने संगीता की बात पर गौर किया और दोनों दुकान के लिए तैयार हो गए और अगले दिन से ही उस ज़मीन पर काम करने लगे। भाइयों की मदद के लिए संगीता भी वहाँ आ जाती। पता चला कि उस दुकान के लिए उस पीपल के पेड़ को तोड़ना पड़ेगा ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए। परंतु दोस्तों, कई सौ सालों से उस पीपल के पेड़ के नीचे एक नाग और नागिन का जोड़ा रह रहा था, जिसकी भनक संगीता और उसके भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही पेड़ तोड़ा गया तो नाग को गुस्सा आ गया, क्योंकि उस समय नाग वहीं पे कुंडली मार के बैठा था और संगीता के दोनों भाइयों को डसने आया, तो दोनों ने मिलकर नाग को भगाया और उसके पीछे पड़ गए। भगा भगा कर नाग को मार भी डाला। उस समय नागिन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली, परंतु अगले दिन संगीता जब अकेले वहाँ काम देखने आई तो उस नागिन ने संगीता को अकेले देख डस लिया। संगीता की चीख सुन दोनों भाई संगीता के पास पहुँचे। संगीता के मुंह से उस समय झाग निकल रहा था। दोनों भाई अपनी बहन की हालत को देख जोर जोर से रोने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि दूर गांव से एक प्रसिद्ध सपेरी को भी बुलाया। सपेरा संगीता की हाथ पकड़ उसकी नाड़ी देखता है और पूरे शरीर का निरीक्षण करता है। सपेरा संगीता के भाइयों को बताता है कि अब संगीता इस दुनिया में नहीं रही, ये मर चुकी है।
क्योंकि किसी शक्तिशाली नागिन ने इसे डसा है, जिसके कारण अब इसको बचा पाना नामुमकिन है। तब संगीता के भाई उस सपेरे को बताते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जमीन के पास एक नाग को मारा था। सपेरा बताता है कि नाग से ज़्यादा जिद्दी नागिन होती है, वह अपना बदला हर हाल में लेकर रहती है। तुम लोगों के ऊपर भी उस नागिन की नज़र है और तुम्हें भी वो डसेगी ज़रूर, तुम सभी को वह मार डालेगी। अभी नागिन बहुत गुस्से में है। संगीता के भाई ही नहीं बल्कि गांव वाले भी इस बात से डर गए और उन्होंने उस सपेरे से उस नागिन को पकड़ने की बात कही तो सपेरे ने मंत्र शक्ति से नागिन का पता लगाया और उन्हें सावधानी बताई कि नागिन को तुरंत मारते ही उस नाग के शरीर को भी ढूंढना जिसे तुमने पहले मारा था और दोनों को साथ में जला देना। सपेरे की बात सुन दोनों भाई उस जगह गए जहां सपेरे ने जगह बताई थी। सभी गांव वालों सहित उन दोनों भाइयों ने उस नागिन को ढूंढ कर मार डाला और दोनों के शरीर को एक साथ जला डाला। तो दोस्तों, हमें बिना वजह किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए या मारना नहीं चाहिए, चाहे वो नाग हो, नागिन हो या कोई भी प्राणी। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी जानवर को परेशान करें या मार डालें। और अगर इंसान इस बात को नहीं समझता तो जानवरों को मजबूरी में अपने असली रूप में आना पड़ता है। ऐसे में किसी मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ती है।